जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे उन्हें कई अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। और अगर अधिकारियों को सस्पेंड किया तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये स्वीकार कर रही है कि अधिकारियों की नाकामी रही है जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। और फिर पारिवारिक चीज़ों में हम क्यों उलझें कि एक भाई ने ज़मीन बेच दी, वो भाई ज़मीन देने को तैयार है, तो ये ज़मीन का विवाद तो अलग बात है, लेकिन आखिरकार पीछे कौन है? और फिर सरकार आखिरकार क्यों इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? सरकार क्यों राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है? जीरो टॉलरेंस की बात जो करते हैं उन्हें कम से कम पूरा का पूरे दोनों परिवारों को न्याय दें। सर ये एक परिवार से मिलने ये बुलडोजर वहाँ पे मिला नहीं परिवार आपको, तो इसके पीछे क्या आप मानते हैं? देखिए मैं तो परिवार से मिलने आया, घटनास्थल गया, उस गांव में भी गया जहाँ घटना हुई और श्रद्धांजलि भी दी जो परिवारों की जान गई है, और इस परिवार से मिला। हमारे अंदर समाजवादियों के जितने साथी हैं वो सब चाहते थे कि दोनों परिवारों से मिलें। अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता है तो हम नहीं मिले। अब मुझसे ये पूछोगे कि मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, इस प्रेम यादव को माफिया कह रहे हैं, ज़मीन के गुंडा अपराधी कह रहे हैं, बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं। अरे बताओ एक भी केस उसके पास हुआ उसके ऊपर? कोई प्रधान बनता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है, समाज में अच्छा काम करता है, समाजवादी, बस उसका दोष इतना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में और समाजवादी नीतियों का प्रचार कर रहा था। बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है लोकतंत्र में। और जो लोग बुलडोजर, अरे बुलडोजर क्या कार्रवाई करेगा तुम और भड़काना चाहते हो? अरे ले जाओ ना, तुम मुख्यमंत्री से ले आओ ना बुलडोजर, तुम ले आओ पत्रकार भाई, तुम्हारा मन कर रहा हो। सर यहाँ भी नोटिस चिपका दिया गया। अरे नोटिस तो ये क्या, अधिकारी क्या है? सरकार के सारे पे काम कर, इसीलिए मैंने कहा शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए देवरिया कांड एक चुनौती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।